आपके अपने इस YouTube चैनल सोल्जर राहुल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक अनबॉक्सिंग करेंगे GoPro के संबंधित ही एक प्रोडक्ट है। बिना इस प्रोडक्ट के GoPro का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, ना ही इस प्रोडक्ट के बिना आप GoPro में कोई माइक कनेक्ट कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट को जो है मैंने मंगाया है। इनके सबके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चाहें जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों GoPro अगर आप लेते हैं तो आप इसमें जब माइक कनेक्ट करेंगे तो आपको माइक कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम लोग मोबाइल में नॉर्मल माइक को लगा लेते हैं, लेकिन GoPro में डायरेक्ट कोई माइक नहीं लगता है, इसलिए हमें एक माइक एडाप्टर लेना पड़ता है और उस एडाप्टर में जाके हमारा माइक जो है कनेक्ट होता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने इस प्रोडक्ट को जो है मंगाया है। वैसे तो ये प्रोडक्ट अमेजोन पे है, लेकिन अमेजोन पे ये काफ़ी महंगा मिल रहा था, तो मैंने इसे एक बाहर के डीलर से जो है इसे परचेज़ किया है, तो लगभग ये 1200 रुपये सस्ता मिला। तो चलिए दोस्तों इसी की हम लोग आज अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे इसमें क्या प्रोडक्ट जो है और इसका GoPro से क्या संबंध है। उस पैकेज में मैंने दो चीज़ें मंगाई थी, एक GoPro मीडिया मोड जो कि GoPro का ही ब्रांड है उसका मंगाया है मैंने, और एक सनडिस्क का 128 GB मेमोरी कार्ड हाई स्पीड मंगाया है। इन दोनों के रेट मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, और इनका क्या यूज है और GoPro लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए इसको भी हम लोग खोल के देखते हैं और इसके अंदर किस तरीके का हमारा जो है मीडिया मोड निकलने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं GoPro मीडिया मोड कुछ इस तरीके का आपको एक बॉक्स मिलेगा, और मैंने माइक एडाप्टर जो है नहीं लिया है, वो भी 4000 का पड़ रहा था, लेकिन एडाप्टर में मुझे कुछ दिक्कत सी महसूस हुई कि वो कैरी करने में, तो इसलिए मैंने सीधा मीडिया मोड ही मंगा लिया है। तो दोस्तों हम लोग जो है अब इसको निकाल के देखते हैं और इसमें क्या क्या मिलने वाला है मीडिया मोड के साथ में वो हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हमने मीडिया मोड को जो GoPro का है उसको हमने ओपन कर लिया है, और मेरे पास GoPro 10 है लेटेस्ट जो आया है। तो इस तरीके का एक खाली बॉक्स है और कुछ ये प्रेम पत्र मिले हैं जिसमें यूजर गाइड वगैरह दी है किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें, चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग साइड में रख देते हैं, और कुछ इस तरीके का हमारा मीडिया मोड है, और उसके साथ ये एक स्क्रू मिला है आना हो, और कुछ एसेसरीज इस तरीके की हमको हेलमेट में कनेक्ट करने के लिए मिली हैं। कुछ इस तरीके का फाइनली हमारा मीडिया मोड निकला है। यहाँ पर GoPro की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर देखिए स्विच वगैरह हैं इसके, और यहाँ पर जो है माइक है, दोनों साइड में माइक है इसमें, और यहाँ पर दिख रहा है एक कनेक्टर है टाइप सी यहाँ पर अंदर, जो कि आपके GoPro से जाके अटैच हो जाएगा। और ये यहाँ पर कुछ स्लॉट दिए गए हैं माइक वगैरह के लिए, चार्जिंग वगैरह के लिए, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, और बाहर की नॉइज़ को कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर लगा के, कुछ इस तरीके का लगेगा आगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको GoPro में लगा के देखते हैं दोस्तों, और किस तरीके का ये वर्क करेगा, GoPro में ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके का ये खरीद सकते हैं 1500-1600 का, लेकिन इसको ख़रीदने के बाद में आपको जो है 4000 का माइक अडाप्टर भी लेना पड़ेगा, तो लगभग वही आपका 5500-6000 रुपये का लगभग खर्च हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को मैंने खरीद तो लिया था लेकिन मेरा काम बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने जो है डायरेक्ट मीडिया मोड मंगा लिया है। इसमें माइक अडाप्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने GoPro 10 से। कुछ इस तरीके का ये मेरा GoPro 10 है, और हम लोग जो है इसको इसमें लगा के देखते हैं किस तरीके लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बैटरी के ऊपर यहाँ पर कवर होता है उसको हटा देना है, लेकिन इसको हटाने के बाद आप GoPro को पानी में नहीं ले जा सकते, क्योंकि GoPro जो है अब ये सील्ड नहीं रहा, ये वाटरप्रूफ नहीं है, पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो इसलिए जब अभी आप पानी में जाते हैं तो आप जो है इसके ऊपर इसका जो ये कवर है इसको पक्का लगा लेना, नहीं तो ये पानी से इसके अंदर पानी चला जाएगा। तो हम लोग अब जो इससे कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हटाने के बाद में ही, इस कवर को हटाने के बाद में ही ये इसमें लगेगा। तो दोस्तों GoPro को जो है इसके अंदर इस तरीके कुछ लगा देना है, ये अंदर लग चुका है जाके,
और फिर इस कवर को क्या करना है, बंद कर देना है। बंद। तो दोस्तों हम लोग GoPro को अब ऑन करके देखते हैं किस तरीके का ये ऑन हो रहा है। और तो दोस्तों इस तरह हमारा GoPro जो है ऑन हो चुका है और सारी बटने वगैरह हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्विक जो है फास्ट रिकॉर्डिंग जो करते हैं जिस बटन से, वो भी यहाँ पर है। ये मेरे पास एक रोड कंपनी का माइक है और मैं इसको जो है कनेक्ट कर सकता हूँ। इनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं देख के। और ये देखिए कुछ इस तरीके का जो है लग गया है बढ़िया तरीके से। और इस माइक को जो है अब हम लोग जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, ये जो स्लॉट दिया है माइक का ये लग गया है यहाँ पर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा जो है रहा ये इन सब बॉक्स वगैरह की जगह और माइक एडाप्टर की जगह मैंने सीधा मीडिया मोड इसीलिए मंगा लिया है। और ये अब कुछ छोटा भी हो गया है, पहले ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो इसलिए दोस्तों मैंने इसको मंगा लिया है। तो दोस्तों आपको ब्लॉगिंग के लिए या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड आप करते हैं तो आपको GoPro लेना चाहिए कि नहीं, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले GoPro चाहिए, फिर इस तरीके का एक केस चाहिए, जहाँ आप किसी भी कंपनी का खरीदेंगे 1500-2000 तक का आपको ये मिलेगा। फिर एक आपको माइक चाहिए, फिर एक आपको 4000 रुपये का एडाप्टर चाहिए, तब दोस्तों आपका जाके GoPro जो है आपके माइक से कनेक्ट हो पाएगा, नहीं तो उससे पहले आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये मीडिया मोड मैंने जिससे ख़रीदा है और ये मेमोरी कार्ड जिससे ख़रीदा है, मेमोरी कार्ड में मुझे लगभग 600 रुपये बचे हैं। अमेजोन के अगर आप देखेंगे अमेजोन से 600 रुपये महंगा मिल रहा था, और मीडिया मोड में मुझे 1200 रुपये बचे हैं जहाँ से मैंने इसको ख़रीदा है। तो हालांकि 1200 रुपये मुझे इसमें बचे और 600 इसमें बचे हैं, तो 1800 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और हालांकि रिस्क था, मैं उसको नहीं जानता था जिससे मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया है, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा सामान भेजा है और मेरे पास पहुंच गया है। तो मैं उसका नंबर जो है आप अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको उसका नंबर दे दूँगा और आप भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों।